हैं आरा की, जहां दो पत्रकारों की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। दोनों पत्रकार बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, रास्ते में एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। दोनों की मौके पर ही जान चली गई। परिजनों ने इलाके के पूर्व मुखिया और उसके बेटे पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद नाराज लोगों ने स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी। तो बड़ी दुख की बात है कि इस तरीके की कोई घटना होती है और उसके बाद भीड़ के इस तरीके का रुख सामने आता है। वाकई आपको बता दें कि इस घटना से पहले पत्रकारों की पूर्व मुखिया से कहासुनी भी हो गई थी, ये भी खबर है। जिन पत्रकारों की मौत हुई है उनमें से एक ने पूर्व मुखिया के खिलाफ खबर छापी थी। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की अब तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये हादसा है या फिर वाकई हत्या है। और बहुत ही दुख की बात है शीरीन, हालांकि दो पत्रकारों की मौत का ये मामला है, हादसा है, ये हत्या है, ये अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। और स्कॉर्पियो गाड़ी से कुचलकर ये हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद भीड़ बहुत ज्यादा भड़क गई। बाइक पर सवार होकर ये दोनों पत्रकार जा रहे थे और स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मारी और उसके बाद इन दोनों की जान चली गई। बिल्कुल, और अब यही मांग की जा रही है परिवार वालों की तरफ से भी और साथ ही ग्रामीणों की तरफ से भी कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाए, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं पूर्व मुखिया पर, उसके परिवार पर, कि ये हत्या कराई गई है। अब पुलिस हर तरह से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पत्रकार समेत दो लोगों की हत्या का आरोप लगा है। घर जा रहे थे, वो पीछे से आकर के मार दिया। किसकी गाड़ी थी वो? गाड़ी पता लग रहा है पूर्व मुखिया। मैंने से तो परिवार ने पूर्व मुखिया पर हत्या का आरोप लगाया है।